हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गोल्ड वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। सो लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल गेट प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम डेली कमोडिटी। सो लेट्स बिगिन। गोल्ड इन्वेस्टमेंट वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कोई कोई लोगों के माइंड में तुरंत इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में पता होता है, बट कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं पता होता और उनके लिए खाली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मतलब या तो फिक्स डिपॉजिट हो गया, या तो फिर गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, या तो फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, ये सब होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर है। गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट दोनों ही एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, और अगर आप 2021 में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो फिर आपके लिए सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो पहले हम जानेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट। इंडिया और इंडियंस और गोल्ड के बीच में क्या रिलेशन है वो तो सभी को पता होगा। इंडियंस गोल्ड खरीदना बहुत ही अच्छा शुभ मानते हैं इंडियन कल्चर में, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स लाइक दिवाली हो गया। मैनी पीपल वेट फॉर अ ईयर टू बाई गोल्ड फॉर अ स्पेशल ओकेशन। गोल्ड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है बिकॉज वो लो रिस्क रिटर्न देता है। यूजुअली जो गोल्ड का प्राइस है और जो स्टॉक मार्केट का मूवमेंट है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। व्हेन मार्केट वॉलेटिलिटी राइज द इन्वेस्टर शिफ्ट टू देयर इन्वेस्टमेंट टू लो रिस्क गोल्ड। गोल्ड जो है वो वैसे देखा जाए तो कम्प्लीटली फ्री रिस्क भी नहीं है, बिकॉज गोल्ड का जो प्राइस है वो ड्रॉप भी हो सकता है एक्सटर्नल पैरामीटर्स के वजह से, बट कंपेयर करें अगर हम उनको स्टॉक से तो वो ज़्यादा मतलब रिस्क फ्री है। गोल्ड जो है वो हमको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी लाइक अच्छा होता है, क्योंकि वो जो रिस्क अमाउंट होता है पोर्टफोलियो के अंदर वो कम कर देता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो के लिए अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10-15% आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ही गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ना कि अपना पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में करें। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और भी ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर ही, जैसे कि बाइंग अ फिज़िकल मेटल, या फिर आप गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड ETF भी में भी कर सकते हैं, गोल्ड हैज़ अ कमोडिटी, या फिर ई गोल्ड। बहुत सारे लाइक अदर ऑप्शंस भी है अगर आपको गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना हो तो भी। लाइक अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहले तो रिस्क कम होता है, देन स्टॉक मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो प्राइस में फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हमें मूवमेंट नहीं दिखता है। गोल्ड प्राइस जो है वो अप्रिशिएट ज़्यादा होता है जब स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है। अगर हम डेटा के थ्रू देखें तो गोल्ड का जो प्राइस है वो अभी अपवर्ड मूवमेंट में ही चल रहा है। अगर पास्ट फ्यू इयर्स की बात करें तो गोल्ड का जो प्राइस है वो अप्रिशिएट हो रहा है। गोल्ड विल ऑलवेज हैव अ वैल्यू एंड देयरफॉर ऑफर्स लिक्विडिटी एट द टाइम ऑफ द क्राइसिस। मतलब अगर आपको कोई भी क्राइसिस आता है, जैसे कि आपको कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट या कुछ भी हो गया, तो फिर लिक्विडिटी के टाइम ये बहुत ही अच्छा असेट माना जाता है, बिकॉज़ आप इसको पैसे में जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड कैन बी आल्सो यूज एज ए कोलैटरल फॉर देयर लोन। बहुत सारे लोग गोल्ड को एज अ लोन के लिए भी यूज़ करते हैं, कोलैटरल के लिए भी यूज़ करते हैं अगर उनको लोन चाहिए रहेगा। Few things to consider while investing in the gold. Gold का जो price है वो हमेशा domestic and international factors पे depend होता है, तो इसकी जो volatility होती है वो भी उस पे depend होती है।
गोल्ड को अगर आप घर में स्टोर करके रख रहे हो तो उसमें भी रिस्क है, बिकॉज अगर आपके घर पे चोरी हो गया या फिर कुछ भी हुआ तो पूरा गोल्ड एक ही टाइम पे चला जाएगा। और गोल्ड में और एक रिस्क ये है कि इसके अंदर रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि अगर आपने स्टॉक में या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट किया हो तो आपको डिविडेंड वगैरह मिलता है, तो वैसे ही गोल्ड में रिटर्न्स नहीं मिलते आपको। कंपेयर टू द इन्वेस्टिंग ETF एंड गोल्ड बॉन्ड ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग गोल्ड एज ए अंडरलाइंग असेट विदाउट इंक्योरिंग द रिस्क ऑफ स्टोरिंग द गोल्ड। अगर आप कोई ETF में या फिर बॉन्ड में ऐसे सब चीज़ों में अगर गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको गोल्ड को स्टोर करने का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। अभी सेकेंड थिंग है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है वो बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही पुराना लाइक ऑप्शन है पैसे को सेव करने के लिए। इसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न भी मिलता है ऑन योर इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड। जो फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट होता है उसमें आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है जो अगर हम कंपेयर करेंगे किसी रेगुलर अकाउंट में के इंटरेस्ट से, तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। और मैच्योरिटी अमाउंट इज अश्योर्ड एंड नॉट अफेक्टेड बाय द वॉलीटिलिटी ऑफ मार्केट। मार्केट वॉलीटिलिटी से लाइक रिटर्न का कोई भी रिलेशन नहीं है। फिक्स्ड डिपॉजिट इंक्यूलेटिंग रेगुलर सेविंग हैबिट इन द इन्वेस्टर। इन्वेस्टिंग इन FD हैज़ सेवरल एडवांटेजेस मेकिंग इट अट्रैक्टिव टू लो रिस्क फॉर द इन्वेस्टर्स। तो अब हम जानेंगे कि FD में इन्वेस्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट बेसिकली होता क्या है, इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं बैंक के अंदर लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर। इन्वेस्टर्स है वो एक टैक्स का जो एडवांटेज है वो भी इंजॉय करता है, बिकॉज वो अपने इनकम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ऐसा दिखा सकता है। फिर फ्लेक्सिबल जो FD का जो पीरियड रहता है वो 7 days to 10 years तक का रहता है, लाइक आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कितने भी ईयर्स का FD रख सकते हो, जो इन्वेस्टर को हेल्प करता है फ्यूचर फाइनेंशियल गोल जो है वो सब प्लान करने के लिए। इन्वेस्टर कैन सिलेक्ट अ पीरियड टू मैच देयर बिजनेस और दी पर्सनल नीड। आप अपने बिजनेस के नीड्स के हिसाब से या फिर पर्सनल नीड के हिसाब से आप अपना टाइम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। हैज़ अ असेट, अ फिक्स डिपॉजिट ऑफर्स लिक्विडिटी दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश ईजीली। अगर आप अर्ली जो अमाउंट ऑफ लाइक पीरियड के लिए आपने FD रखा है, अगर आप उसके पहले ब्रेक करते हो FD तो आपको उसके ऊपर पेनल्टी भी लगता है, बट विड्रॉ करना बहुत ही ईजी होता है। इन इंडियन इकोनॉमी द इंटरेस्ट रेट्स ऑन FD ऑन द ऑनगोइंग सम स्ट्रेस इट हैज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स मेकिंग इट लेस अट्रैक्टिव टू द यंग इन्वेस्टर्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न भी मिलता है बट उसके हिसाब से आपको रिस्क भी लेना पड़ता है, तो बहुत सारे जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो FD में अपने पैसे डालने के लिए इतना लाइक प्रेफर नहीं करते जितना वो लोग स्टॉक मार्केट और बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जिसमें वो लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज जो रिटर्न है FD के जो पहले अच्छे होते थे पर अभी वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, तो उस हिसाब से जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं FD के लिए। तो अब हम जानेंगे FD और गोल्ड के अंदर रिटर्न्स का क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले है रिस्क। FD इज़ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट विद फिक्स्ड टेन्योर एंड मैच्योरिटी। FD जो है जिसके अंदर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है बट ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रहता है और मैच्योरिटी पे ही आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। गोल्ड जो है वो भी एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है बट यहाँ पे थोड़े बहुत रिस्क होते हैं, जैसे कि स्टोरिंग ऑफ द गोल्ड हो गया फिर या तो फिर सेफ कीपिंग ऑफ द फिजिकल गोल्ड। तो जब तक आपके घर में गोल्ड पड़ा रहेगा आपको उसको पूरा सेफली रखना पड़ेगा। सेकेंड है मार्केट नेचर। फिक्स डिपॉजिट इज इंडिपेंडेंट ऑन मार्केट फैक्टर्स हेंस द सप्लीमेंट ऑफ योर इनकम।
जो भी फिक्स डिपॉजिट का जो भी अमाउंट रहता है वो मार्केट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो इसके लिए फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। और जो भी गोल्ड की प्राइस है वो मार्केट फैक्टर्स के हिसाब से चेंज होती है, डिमांड एंड सप्लाई भी हो गया, या फिर डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल कंडीशंस पे भी चेंज होती है। द थर्ड पॉइंट इज रिटर्न। FD जनरेट्स 8% इन द लास्ट 30 ईयर्स। और जो गोल्ड का जो रिटर्न्स है वो 9.8% है। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो वन कैन सेलेक्ट अ फ्लेक्सिबल टर्म फ्रॉम 7 डेज टू 10 ईयर्स। और अगर गोल्ड में हम बात करें लिक्विडिटी की, तो इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड ETF हैज़ इम्प्रूव लिक्विडिटी ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट।